पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। चलिए अब सभी राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं, अब आपको पोल ऑफ पोल्स तो हिंदी मीडियम के अंग्रेजी में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पोल ऑफ पोल्स बता देते हैं। हमारे अंग्रेजी के मास्टर आप देख रहे हैं, घर में बैठ के नाराज हो जाएंगे। सबसे पहले एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे ग्रुप के लिए 361 से 401 एनडीए के लिए, 131 से 166 इंडिया के लिए और अदर्स 8 से 20। ये वो पोल है जो हम आपको पिछले 4 घंटे से, 6:30 पे लाइव चले गए थे गौरव बाबू अमितेश जी, हाँ चार घंटे से जिसमें हम राज्यवार आपको डेटा बता रहे हैं। 361 से 401 का प्रोजेक्शन है एनडीए के लिए, यानी अभूतपूर्व और प्रचंड जीत मिलती दिख रही है इस एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी 371 से 401 एनडीए, 109 से 139 इंडिया और 28 से 38 अदर्स। मैट्रिक्स का जो पोल है उसमें भी 353 से 368, 113 से 118 और 43 से 48। पी मार्क का जो पोल है उसमें 359, 154, 30, जन की बात भी 362, 392 और 141 से 161 वाली रेंज है, यानी सब उसी रेंज के आसपास खेल रहे हैं जिसमें ज़्यादातर ने एनडीए को 350-360 प्लस सीटें ही दी हैं। ये अब तक के रुझान हैं, इसके बारे में एक एक क्लोजिंग रिमार्क लेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगियों से जिसमें सिद्धांत मोहन हैं और अभिनव जी, और उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे क्योंकि नेता नगरी भी शूट करना है। शनिवार की सुबह नहीं आया, इतवार की सुबह आएगा, हमें लगा था कि एग्जिट पोल के बाद शूट करेंगे। बताइए सिद्धांत जी, योर क्लोजिंग रिमार्क। 400 पार करीब बीजेपी का नारा था, अगर इन एग्जिट पोल्स के अनुमानों को देखें तो 400 पार वाला नारा कम से कम अभी एग्जिट पोल तो बीजेपी को राहत दे रहा है। ये वो नारा था जिसको शुरुआती एक दो फेज तक कैरी करने के बाद बीजेपी ने अपेरेंट रूप से खुद इससे थोड़ी सी दूरी बना ली है। रैलियों में समर्थक बात करने में समर्थक हो गए, इसके तो जरूर नारे लगाते थे, लेकिन रैलियों में कैंपेनर और तमाम जो नेता आते थे उन्होंने ये नारा देना बंद कर दिया, क्योंकि इस तरह की चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर 400 पार के नारे से थोड़ा कंफर्टेबल स्पेस में चला गया। इस तरह से चर्चा शुरू हुई, चर्चा कितनी सच थी कितनी झूठ थी ये समझ में तो नहीं आया, लेकिन पार्टी ने थोड़ा सा इससे हाथ खींचे और आखिर में अगर आखिरी एक दो फेज का चुनाव सौरभ अगर आपने देखा हो तो बीजेपी फिर से इस नारे की ओर पुश करती है, 400 पार की ओर फिर से वो लेकर आते हैं, मंच से बोला जाता है, पार्टी के नेता जब इंटरव्यू और बयान वगैरह देते हैं तब उसमें भी इस बात को बार बार दोहराते हैं। तो 400 पार करना तो वही है कि एग्जिट पोल का जो नंबर है अभी जो 401 तक जाके टिका रहा है बीजेपी का कांटा, अच्छा एनडीए कांटा कम से कम वहां पे जी। सिद्धांत कुछ ऑडियो का इशू रहा है, अभिनव जी योर क्लोजिंग रिमार्क। ये जैसे देखेंगे पिछली बार जो बीजेपी को ने 300 पार का नारा दिया था या जो 300 पार किया, तो बीजेपी को 300 पार कराने में पिछली बार बंगाल का सबसे बड़ा योगदान रहा, बाकी जगहों पे जीते 2014 की तरह ही जीते, आसपास थोड़ी बहुत सीटें इधर उधर बढ़ी, बंगाल का इफेक्ट था। अगर इस बार ये नंबर सच होते हैं जो कि अनुमान है, अगर ये सच होते हैं तो उसमें ओडिशा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और इसके अलावा बंगाल, इस बार ये चार राज्य हैं जो इनको उस नंबर को पार करा देंगे। और जो अनुमान था नुकसान का, जैसे आप देखिए चर्चा हो रही थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी का नुकसान हो सकता है, ऐसा बहुत सारे पत्रकार कह रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि एनडीए का नुकसान होगा या बीजेपी का नुकसान होगा, एनडीए का होगा। बिहार में जब नुकसान की बात होती थी तो कहते बिहार में नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो बिहार में एनडीए का नुकसान होगा या बीजेपी का, इस गफलत में जो मामला था उसमें नंबर क्लियर नहीं हो रहे थे। चूंकि ये एजेंसीज हैं, ये सर्वे करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा ये मानना है कि एज ए जर्नलिस्ट मैं जिस सीट को कवर करूंगा उस सीट के बारे में तो मैं बता सकता हूं, आसपास की 2-4 सीटों की फीडबैक लेके बता सकता हूं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बता पाना वो आप जैसे संपादक ही बता सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा स्टेट्स में जाते हैं और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और स्ट्रेटेजिक लोगों के साथ भी। तो जून का महीना सिर्फ चुनाव नतीजों का महीना नहीं होता है, अप्रेजल का महीना भी होता है दर्शकों। संपादकों को अपना हीमोग्लोबिन दुरुस्त रखना चाहिए और इस तरह की तमाम टिप्पणियों के अतिरेक से बचना चाहिए। आप लल्लन टॉप को देख रहे हैं, लगातार देखते रहिए, हास परिहास व्यंग विनोद के साथ सत्य और सिर्फ सत्य आप तक पहुंचाया जाता रहेगा बिना किसी दबाव के, हमेशा ही देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया,
4 जून को सुबह 6 बजे से मुलाकात होगी सीटों के विश्लेषण के साथ, ब्रेकिंग सीटों, ब्रेकिंग नतीजों के साथ, कहाँ पे कौन लीड ले रहा है, कौन अप्रत्याशित रूप से जीत रहा है या हार रहा है, जन का आदेश किसके साथ है, क्योंकि इस कवरेज का नाम है जय जनादेश। बहुत बहुत शुक्रिया।